आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबकी फेवरेट और मज़ेदार तीखी तीखी हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली चटनी। ये दोनों चटनी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती हैं, इसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी होती हैं। आप इसे आसानी से घर पर बना भी सकते हैं। आप इसे गोलगप्पे के साथ या फिर वड़े के साथ, दही भल्ले के साथ, चाट के साथ, समोसे के साथ या किसी भी पकोड़े के साथ आप इसे खा सकते हैं। जब भी हमारा तीखा खाने का या चटपटा खाने का मन हो तो आप ये चटनी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम यहाँ हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कप धनिया लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और उसके डंठल भी हमें साथ साथ में लेने हैं। सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं, उसके डंठल जो डंडियाँ होती हैं वो भी हम साथ में लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती हैं। अब मैंने यहाँ आधा कप पुदीना लिया है, जिससे बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आएगी, और तीन मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तीन से चार मैंने यहाँ अदरक के टुकड़े लिए हैं, पाँच से छः मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ रोस्टेड पीनट यानी कि भुनी हुई मूँगफली ली है, उसको भून लिया है और उसका छिलका उतार कर मैंने ले लिया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा हमारी चटनी में गाढ़ापन आएगा। इसके साथ मैंने एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा लिया है, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है, एक छोटी चम्मच आधी छोटी चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, और यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया है। जब भी हम हरी चटनी बनाते हैं या धनिए की पुदीने की चटनी जब बनाते हैं तो उसमें हम ठंडा पानी ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे चटनी काली नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इसका कलर हरा ही रहेगा। या आप दो से तीन इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। आप इसमें पीसते टाइम नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो चलिए मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच नींबू का रस लिया है, डाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी चटनी बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी भी बनी है। देखिए चटनी मैंने तैयार कर ली है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो हरी चटनी हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम इमली की चटनी बनाते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम इमली ली है, ये बीज वाली है। अगर आपके पास दूसरे वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बिना बीज की भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं। और 200 ग्राम मैंने यहाँ गुड़ लिया है, आप गुड़ की जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी हमने यहाँ इमली ली है उतना ही हम गुड़ लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। मैंने यहाँ आधा लीटर पानी लिया है। अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। अगर आप नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं तो एक से डेढ़ घंटे तक आप इसको भिगो के रख सकते हैं। एक घंटे में ही अच्छे से हो जाएगी। देखिए एक घंटा मैंने भिगो के रख दिया है, और हाथ से मसल मसल कर मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं, और सिर्फ इसमें पल्प रह गया है। अब इसको हम मिक्सी में चलाकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, जिससे हमारा स्मूथ सा एक पल्प बनकर तैयार हो जाए। मिक्सी में पीस के मैंने इसका पल्प निकाल लिया और इसको अच्छे से छान लिया है। छानने से जो भी इसमें रेशे होंगे या कोई भी बीज रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, ये पल्प हम इसमें डाल लेंगे, और साथ ही साथ जो मैंने गुड़ लिया है वो भी डाल लेंगे। आपको चीनी पसंद है तो आप चीनी ले सकते हैं। तो चलिए इसे गैस पे रख लेते हैं। गैस पे मैंने रख लिया है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है,
और 3 से 4 मिनट इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, जिससे गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मैंने अगुड़ के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप बड़े टुकड़े कर रहे हैं तो उसमें 5 से 6 मिनट आपको लग सकती हैं, लेकिन ये छोटे टुकड़े किए हैं तो 3 से 4 मिनट ही लगेगी। देखिए, इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाए। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर ली है, 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ जीरा, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक लिया है, 1/4 छोटी चम्मच मैं यहाँ सादा नमक डाल लेती हूँ, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला लिया है। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 से 2 चुटकी मैंने यहाँ हींग ली है, हींग से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, आप अगर गुड़ डाल रहे हैं तो साथ साथ चीनी भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। चलिए इसे पका लेते हैं। जैसे जैसे पकेगी ये पहले से गाढ़ी होती जाएगी। देखिए, पहले से ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब 1 से 2 मिनट चला के हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। इमली की चटनी भी हमारी तैयार है, बिल्कुल खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी तैयार हुई है। आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने दोनों चटनी अच्छे से तैयार कर ली हैं। हरी चटनी हमारी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी और परफेक्ट बनी है, और इमली की चटनी हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर के साथ तैयार की है। आप इसे जैसे चाहें खा सकते हैं, आप इसे वड़े के साथ, गोलगप्पे के साथ, टिक्की के साथ, जैसे आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। आप ऐसे घर पर चटनी बना सकते हैं और इसको कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं, ये बहुत दिन तक चल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।